नमस्कार, जय भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज, जहां हम देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज के इस न्यूज बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए क्या बयान जारी किया। साथ ही आपको बताएंगे कि उत्तराखंड के किस रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के साथ साथ हाथी भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ बड़ी खबरें होंगी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप न्यूज। फाइजर बायोएनटेक के कोरोना टीके का इस्तेमाल पैकेजिंग में गड़बड़ी के आधार पर हांगकांग में रोक दिया गया है। हांगकांग में टीके का वितरण कर रही कंपनी फोजुन फार्मा ने टीके के एक बैच की शीशियों के ढक्कन में गड़बड़ी पाई है। इसी आधार पर इसके इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। उत्तर कोरिया ने कम दूरी की मिसाइलों का लंबे समय बाद फिर से परीक्षण किया है। यह जानकारी अमेरिका और दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने दी है। हालांकि अमेरिका ने इसके बावजूद कहा है कि वह उत्तर कोरिया की इस कार्यवाही को उकसावने वाली नहीं मानती है। साथ ही यह भी कहा है कि वह इन परीक्षणों के बाद भी उत्तर कोरिया से वार्ता के लिए तैयार है। बंगाल में पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर यहां के चुनावी रण में उतरे। पुरुलिया जिले में शाह ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी गरीबों के लिए 115 स्कीम लेकर सामने आए हैं, जबकि ममता दीदी 115 स्कैम लेकर आई हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि आपको स्कैम चाहिए तो दीदी को वोट दें और स्कीम चाहिए तो भाजपा को वोट दें। सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ग्राहकों के लिए यह खबर अहम है। इस सप्ताह शनिवार से 4 अप्रैल तक बैंकिंग सेवाएं केवल 2 दिनों के लिए उपलब्ध होंगी। 27 मार्च से 4 अप्रैल के बीच केवल 2 कार्य दिवस ही हैं। इसलिए अगर आपके पास बैंक में कोई काम है तो उसे इस सप्ताह पूरा कर लें या फिर आपको 3 अप्रैल तक इंतजार करना होगा। देश भर में कल भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें देश भर के किसान शामिल होंगे। इस दौरान दुकानों, बाजारों और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाएगा। शुक्रवार यानी 26 मार्च को सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक भारत बंद किया जाएगा। बता दें कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। हालांकि इसमें व्यापारी संगठन पूर्व भागीदारी देंगे या नहीं, इसको लेकर संशय बना हुआ है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बाद अब पूर्व सीएम यानी हरीश रावत भी कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। बुधवार को हरीश रावत समेत उनके परिवार के 4 और सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव यानी हरीश रावत फिलहाल दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। ओला उबर चालकों की हड़ताल गुरुवार को चौथे दिन भी जारी है, जिसके चलते लोगों को ओला और उबर की सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। वहीं हड़ताल कर रहे चालकों ने गुरुवार को दून में रैली निकालने का ऐलान किया है। इस 100 लोगों की रैली के लिए जिलाधिकारी के स्तर से भी अनुमति मिल चुकी है। जंगल की तरफ से हाथियों का शहरी क्षेत्र में आने का क्रम जारी है। बुधवार की देर रात हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर हाथी आने से हलचल मच गई, जिससे प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ लोगों ने मौके से दौड़ लगा दी। आनन फानन में आरपीएफ, जीआरपी सहित रेल कर्मियों ने शोर मचाकर हाथी को जंगल की तरफ भगा दिया। भारतीय टीम के लिए इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए वनडे सीरीज के पहले मैच में दाएं हाथ के बल्लेबाज यानी श्रेयस अय्यर को फील्डिंग के दौरान चोट लग गई थी। श्रेयस अय्यर के कंधे में फ्रैक्चर हुआ है, जिसके कारण वे अगले कुछ महीने क्रिकेट की दुनिया से दूर रहेंगे। ये निजी तौर पर श्रेयस अय्यर के लिए बड़ा झटका तो है ही, साथ ही साथ दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी एक बुरी खबर है, क्योंकि टीम को नया कप्तान चुनना होगा। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल स्थगित हुए टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। 121 दिवसीय टॉर्च रिले गुरुवार को शुरू हो गई, जो 23 जुलाई को टोक्यो में उद्घाटन समारोह के साथ समाप्त होने वाली है। रिले की शुरुआत फुकुशिमा से हुई, जो 2011 के भूकंप, सुनामी और परमाणु संयंत्रों से रिसाव की त्रासदी भी झेल चुका है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।